हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से, एंड हमारी एक सीरीज़ हम बना रहे हैं कि 2021 में जो कोरोना आ रहा है उससे हम कैसे हैंडल करें, उसकी कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचें। मैंने एक वीडियो बनाया था कि 2021 का कोरोना जो है ज़्यादा घातक है, ज़्यादा इन्फेक्शस है, ज़्यादा पैथोजेनिक है, और इसमें निमोनिया के चांसेस ज़्यादा हैं कम्पेयर टू जो 2020 में कोरोना हमारे सामने आया था। तो कैसे इसको ट्रीट करें, क्या हम इस चीज़ के लिए करें, उसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। और एक चीज़ मैं बड़ा क्लियरली बोल दूँ कि ये मेरे अपने व्यूज़ हैं और ये डिफरेंट हो सकते हैं फ्रॉम द व्यूज़ जो बाकी अथॉरिटीज़ के हैं। और आप जो भी ट्रीटमेंट लें वो अपने डॉक्टर से पूछ के लें, किसी के सुपरविज़न में लें। ये सिर्फ एक व्यूज़ हैं जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जिनको आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने डॉक्टर से पूछ के अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सकते हैं। तो पहली चीज़ जो बताएं, अगर आपको कोरोना के सिम्टम शुरू होते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या हैं, तो आप इमिजिएटली उसकी मेडिसिन शुरू करें। RT-PCR कोरोना करवाएं, लेकिन उसकी रिपोर्ट का वेट ना करें, क्योंकि रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लग सकते हैं। क्या मेडिसिन आप शुरू कर सकते हैं? जो बहुत क्लासिकल दवाइयां हैं, आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम दिन में एक बार, और डॉक्सीसाइक्लिन की टैबलेट जो कि 100 मिलीग्राम की है दिन में दो बार, ये दो ऐसी मेडिसिन हैं जिनको कॉमनली दिया जा रहा है इस वायरस की एज एंटी वायरल की ग्रोथ को कम करने के लिए। इसको आप इमिजिएटली शुरू कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग फैबीपिरावीर यानी फैबी फ्लू को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 1600 mg की ये टैबलेट की गोलियां सुबह शाम ली जाती हैं पहले दिन, और 800 mg की मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर द नेक्स्ट 10-12 days ली जाती हैं फैबी फ्लू की, उसको शुरू कर सकते हैं जब आपके सिम्टम्स शुरू होते हैं। इसके साथ विटामिन का एक बड़ा अच्छा रोल पाया गया है, तो विटामिन सी हाई डोज में लें। 1000 mg का विटामिन सी दिन में तीन बार ले सकते हैं। 60,000 यूनिट का विटामिन डी, 60,000 यूनिट विटामिन डी जो सैशे में आता है या लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको आप 3 या 4 दिन तक लगातार लें। और जिंक, इसका जिंक वगैरह जो हम लेते हैं उसको जिंकोवेट, जिंकोनिया, जैसा भी कोई हो, आप दिन में एक बार ज़रूर लें। तो ये तो कुछ विटामिन हैं जो हम सजेस्ट करते हैं, एंटीवायरल जिनको सजेस्ट करते हैं, और इसमें काफ़ी पेन्स वगैरह रहता है, तो मेफ्टल स्पास का एक अच्छा रोल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और पैरासीटामोल अगर फीवर ज़्यादा है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा ब्रोमहेक्सिन सिरप का एक बहुत अच्छा रोल है, आप उसको अगर जल्दी शुरू कर सकते हैं तो उस दिन में तीन बार ब्रोमहेक्सिन सिरप लें, क्योंकि ब्रोमहेक्सिन सिरप क्या करता है, वायरल की एंट्री को, कोरोना की एंट्री को भी रोकता है सेल्स के अंदर, और वो कफ में भी, खांसी में भी काफ़ी लाभदायक है। तो ब्रोमहेक्सिन सिरप बहुत ईजिली मिलता है, उसको आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ कुछ इनहेलर्स हैं, ब्यूडीसोनाइड या फ्लुटिकाजोन का इनहेलर आप दिन में 2-3 बार लें, क्योंकि ब्यूडीसोनाइड के इनहेलर्स की स्टडी आई है कि अगर हम ब्यूडीसोनाइड के इनहेलर्स देते हैं तो कोरोना को जल्दी कंट्रोल में ला सकते हैं, उसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, उससे होने वाले डैमेज को हम कर सकते हैं। तो इसको ब्यूडीसोनाइड इनहेलर को आप दिन में 2-3 बार अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग शुरू कर दें, जैसे ही आपका ये सारा डिजीज़ प्रोसेस शुरू होता है। ये सब तो वही है जो हम पिछले साल भी कर रहे थे, लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस बार के ट्रीटमेंट में, पिछले ईयर के ट्रीटमेंट में जो कोरोना 2020 में था और 2021 के कोरोना के मेजर ट्रीटमेंट मैं क्या रिकमेंड करना चाहूँगा। जैसा कि हमने बोला, ये वाला वेव जो कोरोना का है ये बहुत तेज़ी से फैलता है, खास करके लंग्स के अंदर इसके इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारी नॉलेज में जो दो कारण है लंग के अंदर कोरोना होने के, एक तो कारण है अंदर इन्फ्लेमेशन और एक कारण है थ्रोम्बोसिस। तो इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो स्टेरॉइड्स हैं, और कुछ और भी दवाइयाँ जैसे टेक्लीमुजैब है, IL-6 ब्लॉकर हैं, इटालीमुजैब है, ये इस्तेमाल की जाती हैं, कॉल्चिसिन का भी इसमें रोल है। और थ्रोम्बोसिस रोकने के लिए क्लेक्सिन है, एपेक्साबैन है, ओरल एंटीकोएगुलेंट्स हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे अनुसार अगर आपको कोरोना शुरू हो रहा है और अगर आप सी रिएक्टिव प्रोटीन अपना चेक करते हैं और सी रिएक्टिव प्रोटीन आपका 20 से ज़्यादा आ रहा है, 25 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप ये स्टेरॉइड्स और एंटीकोएगुलेंट्स का जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना सेफ रहेंगे। ये डिफरेंस है फ्रॉम द लास्ट ईयर ट्रीटमेंट। पिछले साल के ट्रीटमेंट में ऐसा बोला जा रहा था कि डेक्सामेथाजोन तब दें अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से, मैं फिर बोलूँगा ये मेरा अपना ओपिनियन है और मैं इसके लिए ओपन हूँ कि लोग इसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब की बार हमें वो समय नहीं मिलता है कि पेशेंट का सेचुरेशन ड्रॉप करे तब हम स्टेरॉइड शुरू करें और तब हम देखें कि करना है कि नहीं करना। अर्ली जल्दी से स्टेरॉइड को हम शुरू करें,
लेकिन इस बात में ध्यान रखना है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको अपने इंसुलिन और मेडिसिन अकॉर्डिंगली लेनी है। स्टेरॉयड जल्दी शुरू होने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, तो ये अंडर सुपरविजन हो तो बेस्ट है। अपने आप मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन इतना ही कहना है मेरा कि स्टेरॉयड्स हम डे वन डे टू पे शुरू करें, चाहे वो वाइसलॉन है, चाहे वो मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, या फिर वो हम डेक्सामेथासोन देते हैं, उसको हम वेट ना करें पाँचवें या छठे दिन तक का। ये पहला मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, एंड इसमें अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, इसमें डॉक्टर्स के व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरा, थ्रोम्बोसिस रोकने की जो दवाइयाँ हैं, चाहे वो क्लेक्सिन हो, एपेक्सीबैन हो, या ज़िराल्टो हो, यानी रिवेक्साब्रान हो, इनमें से ये सब दवाइयों का शुरुआत भी हम सेकेंड डे या थर्ड डे से कर देना चाहेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि क्लॉटिंग जो है वो चौथे या पाँचवें दिन से शुरू हो जाती है। जो सेचुरेशन गिरता है उसका एक कारण है ब्लड की क्लॉटिंग, माइक्रो क्लॉटिंग होना हार्ट के अंदर। तो अगर हमने इन मेडिसिंस को पहले शुरू कर दिया, सेकेंड डे से शुरू कर दिया, या थर्ड डे से शुरू, या फर्स्ट डे से शुरू कर दिया, तो इन कॉम्प्लिकेशंस को हम रोक सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही है कि दिन भर इतने कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा सेचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ये इस क्राइसिस से हम बाहर निकल सकें, एंड द अर्ली द सूनर वी स्टार्ट द स्टेरॉइड एंड एंटी थ्रोम्बोटिक्स इन द कोरोना ट्रीटमेंट, द मोर वी कैन प्रिवेंट दीज निमोनिया एंड लंग कॉम्प्लिकेशंस। So thank you friends, I'm Dr. Sandeep Basin from Careville Medical Center.